नमस्कार दर्शकों, पीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मसूरी देहरादून यानी कि उत्तराखंड की वादियों में, जहां पर चल रही है एक पंजाबी सॉन्ग की शूटिंग। जी हां, हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इस सॉन्ग के हीरो यानी मेन लीड कलाकार से। जी हां, जो मेवात की धरती से एक गाँव देहात से निकल कर आए हैं और अपना मॉडलिंग का जो कैरियर है उन्होंने अपना बनाया और आज वो बॉलीवुड में एज ए एक्टर लीड कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी मूवी भी आने वाली है और अभी जो पंजाबी एल्बम सॉन्ग इनका चल रहा है, जो है हम मौजूद हैं इस टाइम मसूरी में जहाँ पर इनकी शूटिंग चल रही है। तो आइए जानते हैं इनसे। नरेश वालिया जी इनका नाम है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। तो आइए जानते हैं नरेश जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे आज इस सॉन्ग के बारे में। नरेश जी, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज जो ये आप पंजाबी एल्बम यहाँ शूटिंग चल रही है इसमें आप एज ए हीरो एज ए मेन लीड आप कलाकार हैं और इसमें क्या आप किस तरह से फील कर रहे हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और दर्शकों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एज ए मैं इसमें मॉडलिंग जो कर रहा हूँ, इन जो सारा काम कर रहा हूँ एज ए एक्ट्रेस के रूप में, और ये गाना मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना है। और इससे पहले मैं एक मॉडल था, एक मॉडलिंग करता था। और तो जैसा आपका मॉडलिंग का कैरियर रहा है वो अच्छा लगा, या जो अब एक्टिंग का कैरियर आपका बनने जा रहा है ये अच्छा लगा, इसको कौन सा आपको आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा आपके लिए अच्छा है या दोनों अच्छे हैं? सर दोनों ही अच्छे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सीढ़ी वाइज सीढ़ी ही चढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं एक मॉडलिंग करता था, मॉडल था, तो आज मुझे ये मौका मिला है कि गाना करने का भी टाइम मिला और मौका मिला मुझे। जी, तो जैसे कि आपने अपना कैरियर शुरू किया एज ए मॉडल, कहाँ से? क्योंकि एक गांव देहात, जैसे आप बताया कि मेवात से आप हैं, तो मेवात एक थोड़ा सा गांव देहात का एरिया पड़ जाता है, तो वहाँ से आप कैसे निकल के आए और कैसे आपने मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? सर मैं कॉलेज में, मैं मुझसे अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, कॉलेज में बहुत स्मार्ट था, लड़कियाँ मुझ पर बहुत डोरे डालती थी। हाँ, तो दोस्तों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप अच्छे स्मार्ट हो यार, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया और मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया। तो दिल्ली में मैं काफ़ी फैशन शो किया, बाहर भी किया, उदयपुर, जयपुर, जयपुर वगैरह सारी जगह किया, गुजरात वगैरह। तो अच्छा लगा मुझे और एज ए सोस्ट ऑफर रहा हूँ मैं जहाँ पर भी मॉडलिंग वगैरह करता था। आपने जो है, जैसे आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, वो कैसे रखा? सर एक मॉडल के रूप में ही रखा और अच्छी अच्छी कंपनियों से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ तक मौका दिया, तक आप पहुंच गए, यानी कि आप मॉडल एज ए मॉडल आप इस्टेब्लिश्ड इस मॉडलिंग लाइन में हो गए। लेकिन जो फिलहाल अब कैरियर आपका चेंज हो रहा है, आप एक हीरो बन रहे हो आज तारीख में और आप जो है हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में एक सक्सेस कलाकार बने, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन आप जो एज ए एक्टर आज महसूस किस तरह कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, दर्शकों को पूरा प्यार है और आशीर्वाद है, बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि अभी तक आपने मॉडलिंग की है, मॉडलिंग में तो आप अकेले रैंप पे चलते हो, यहाँ ये जो गाना आप शूट हो रहा है इसमें एक मॉडल के साथ आप गाने में आ रहे हो, तो उसमें जो ग्लैमर सीन है या कुछ ऐसा सीन है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि वो लड़की जब आपकी बाहों में आती है तो आप कैसा फील करते हैं? सर कोई भी लड़की अगर किसी की बाहों में आएगी तो अच्छा ही फील होगा। नहीं वो तो ठीक है कि लड़की बाहों में आएगी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी जैसे कि गाने में आप शूट चल रहा है, अब गाने का शूट कई बार होता है कि ज़्यादा रोमांस का गाना होता है, कहीं थोड़ा सा कम रोमांस के गाने होते हैं, तो इसमें आप कम रोमांस वाला गाना है या ज़्यादा रोमांस वाला गाना? सर रोमांस भी है और मेरी जो स्टोरी एक छछोरे पंथ वाली है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी एक फ्रेंड है, मैं उसकी तरफ एक्साइटमेंट हो जाता हूँ। यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देंगे? हाँ सर, वो धोखे वाला एक छोटा सा वो है। ये रियल में धोखा है या मतलब स्क्रीन पे धोखा? नहीं सर, स्क्रीन पे धोखा है, वो गाने में धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये रियल, हाँ तो ध्यान रखना दर्शकों, ये बात आप कहीं हमारे भाई को जो अभी हीरो बनने जा रहे हैं, कहीं इनको बुरा मत समझ लेना कि नहीं ये तो लड़कियों के साथ में चक्कर है इनका, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे, अभी हम जानना चाहते हैं कि आज आपकी निजी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड? सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर कोई आएगी भी तो आ नहीं सकती, होगी भी वो भी चली जाएगी। देखिए अब जिस इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे हैं आज की तारीख में, उस वो ग्लैमर से भरी हुई लाइन है और इस लाइन में जाने के लिए शर्म एक कहीं गहरे 100 फीट गहरे गड्ढे में दबानी पड़ती है, आपको बेशरम बनना पड़ता है, ठीक है? तो आप वो उस चीज़ को, मैं ये आपसे पूछना चाहता कि आप वो कैसा फील कर रहे हैं उस जगह? सर उस जगह के लिए मुझे अगर नाइन फोर्स करो तो ही अच्छा है। चलिए शुक्रिया।
हम आपको फोर्स नहीं करते, लेकिन हम एक बात और जानना चाहेंगे, आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट? सर ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एक बेटी के पीछे एक फिल्म बना रहे हैं हम, तीसरी बेटी जो सलाम दिल्ली के द्वारा उसको बना रहे हैं हम, और एक तलाश मूवी भी किया हूँ मैं, और दो तीन छोटे छोटे प्रोजेक्ट और हैं, शॉर्ट फिल्में हैं दो तीन, और एक गाना अभी और शूट करने जा रहे हैं। पंजाबी गाना है तो हम एक चीज़ और पूछेंगे आपसे, जैसे कि आप पंजाबी सॉन्ग कर रहे हैं, तो पंजाबी सॉन्ग आपने चूज किया, आप इसको कर रहे हो, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको पंजाबी सॉन्ग अच्छा लग रहा है या हिंदी सॉन्ग में आप प्रमोट होना चाहते हैं? गाने दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन पंजाबी थोड़ा ये है कि बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा आदमी भी डांस करने का नाचने लगता है। आजकल देख रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी लोग गाने सुनते हैं, पंजाबी गाने लोग सुनते हैं। पंजाबी का तो खैर पकड़ पूरे आप साथ से नहीं, शुरू से ही रही है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में है, पंजाबियों के बगैर तो कुछ भी नहीं है, जहाँ ढोल बजता है वहीं सब कुछ होता है। बिल्कुल, तो हम एक क्वेश्चन मैं आपसे चलते चलते करना चाहता हूँ कि जैसे आज आप यहाँ शूटिंग पे हैं, तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज आप एक सफल, हम दुआ करते हैं कि आप सफल अभिनेता बने, और हमारे दर्शकों का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, और सभी दर्शकों से मेरी विनती है ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग सुने हमारा और शेयर करें, सभी लोगों का प्यार मुझे मिले, सबका आशीर्वाद मिले, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। तो देखा दर्शकों, हमारे बीच में थे नरेश वालिया, जो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि मॉडलिंग क्षेत्र उनका था, अब वो अपना कैरियर बॉलीवुड में एज ए अभिनेता, मुख्य अभिनेता के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, VCR न्यूज़ के लिए देहरादून मसूरी से अजय शास्त्री के साथ मुशर्रफ राणा।